हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरर यादव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो वापस से मैं लेके आ गया हूँ एक और अपनी गाड़ी, नई गाड़ी का वीडियो, जो कि है किया सेल्टोस HTX। मैनुअल है और पेट्रोल वेरिएंट है। ठीक है, सब क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों को पिछले वीडियोस के बाद में कि भाई कौन सा मॉडल है आपका। और ये है 2023 फेसलिफ्ट मॉडल। HTX है, पेट्रोल है, मैनुअल है। ठीक है, तो इसके कंप्लीट हो चुके हैं 1000 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 1 महीना 7-8 दिन ऊपर हो चुके हैं इसको। तो ये टाइम होता है इसका पहली सर्विस का। तो इसमें सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस वो चेकअप वगैरह होता है कि गाड़ी आपकी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई मल फंक्शन तो नहीं हो रहा कहीं पे, कुछ इशू वगैरह तो नहीं है गाड़ी में, वो है। और बेसिक क्लीनिंग होती है, ड्राई क्लीनिंग होती है, पूरी गाड़ी बढ़िया से साफ़ सफाई करके देते हैं और टेस्टिंग होती है। सो चल रहे हैं मेंटेनेंस सर्विस के लिए। ठीक है, और जो वर्कशॉप है वो मुझे असाइन हुई है ASB किया वर्कशॉप। और जो मेरा मतलब जहाँ से मैंने ली थी डीलर था वो भी ASB किया ही था। ठीक है, तो ठीक है, दिखाता हूँ मैं आज क्या क्या होने वाला है अपने साथ में, और अपने साथ में नहीं, इस गाड़ी के साथ में। और 1000 किलोमीटर चल गई, मैं इसकी वो दिखा देता हूँ आपको, लास्ट रीसेट जो थी मेरी उसके बाद की एवरेज ये चल रही है, 14.5 की एवरेज चल रही है सिंस लास्ट रीसेट। 1025 देख रहे होगे और टोटल भी 1025 के आसपास चल चुकी है, मतलब जब से गाड़ी उठाई है मैंने तब से ये एवरेज चल रही है। और इसके अंदर मतलब इस 1025 किलोमीटर के अंदर मैंने एक ग्वालियर की ट्रिप मारी थी अपने घर की, जो कि अप डाउन पड़ती है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की, और बाकी का सारा सिटी का ही है, मतलब कि जो ऑफिस आना जाना डेली का वो, एंड थोड़े बहुत ऐसे ही सिटी में चले गए घूमने फिरने के लिए दोस्तों के साथ में वो। तो सिटी और दोनों का मिला के जो एवरेज निकल रहा है वो 14.5 का इसका 1025 किलोमीटर का। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब ठीक है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए तो बहुत बढ़िया एवरेज है ये, 15 का एवरेज दे रही है ऑलमोस्ट आपको। सो आई एम सेटिस्फाइड। और जो शायद 5000 वाली जो सर्विस आएगी, शायद उसके बाद सर्विस होने के बाद में एवरेज थोड़ा बढ़ भी जाता है गाड़ी का। ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है लोगों पे कि आप कैसा चलाते हो उसको, इसीलिए मैंने मैनुअल लिए। तो यार देखो यार कितनी धुंध हो रही है, टाइम 12:15 हो चुके हैं और ये देखो कितना ज़्यादा फॉग है दिल्ली में यार दिख ही नहीं रहा है। आगे उधर जो है उधर साइबर सिटी है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं गुड़गांव उनको पता होगा, उनमें से एक भी बिल्डिंग नहीं दिख रही है अब दिखनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी सी, ना फ़ोन में दिख रही है ऐसे सामने से, नेकेड आई से भी नहीं दिख रही है यार, जैसा सेम फ़ोन में दिख रहा है वैसा ही सामने दिख रहा है। बाप रे, 12 बजे ये हाल है दिल्ली का, मस्त सर्दी पड़ रही है, जनवरी का मौसम है और आज डेट है 21 तारीख संडे। तो यार मैनुअल लेने का मेरा यही रीज़न था कि मैं इसको अपने हिसाब से चला के अपने हिसाब से एवरेज निकाल सकूं। ये देखो अभी 18 का एवरेज दे रही है, ठीक है 18 का एवरेज है, और पीछे थोड़ा सा जाम भी था, खड़े भी रहे, मतलब 19 के आसपास चल रहा था, अभी कम हो गया उधर खड़े होने से पिछले उस पर सिग्नल पर। सिटी में ये एवरेज है, बाकी हद से हद कितना भी मतलब जाम वगैरह हो 13-14 रहता है, ये खड़े खड़े भी 13-14 रहता है इसका। तो जाम में तो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आप चलाते हो तो उसमें कंट्रोल आपके हाथ में रहता है मैनुअल में, कि किस हिसाब से चला रहे हो आप और किस हिसाब से आप पंजा दबाते हो, किस हिसाब से गियर शिफ्टिंग करते हो, उससे आप एवरेज मेंटेन कर सकते हो। ये रीज़न था मेरा मैनुअल लेने का। बाकी उसके 1.5 लाख रुपये और एक्स्ट्रा थे, 19 के आसपास 20 के आसपास पड़ रही थी वो, तो वो भी एक कंसर्न होता है इतना जाना ज़्यादा देने के बाद फिर तुम उसके बाद। ओके, देखा इंडिकेशन वार्निंग भी देते। और एक और बात गाइस, गाड़ी के जो पहले 1000-2000 किलोमीटर होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं वो, उस टाइम पे आपको गाड़ी को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया से चलाना चाहिए, ज़्यादा जितना आराम हो सके उतने आराम से चलाना चाहिए 1000-2000 किलोमीटर के आसपास में। और इससे क्या है, इंजन रवा बोलते हैं उसको, रवा हो जाता है,
मतलब स्मूथ हो जाता है इंजन, फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत मज़े ले सकते हो इंजन के 2000 किलोमीटर के बाद में, बट उससे पहले एकदम आराम से चलाना चाहिए आपको, ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है, वरना उसके बाद फिर इंजन नॉइजी हो जाता है। अगर आप पहले 1000 किलोमीटर में ही खींच दो गाड़ी को तो इसका मतलब कि आपका इंजन गया फिर। तो एक टिप्स है, ध्यान रखना इसका। ओके, तो PSB किया सर्विस हमारे दिखा रहा है, राइट साइड में पहुंच चुका हूं। उद्योग विहार फेज 4 है ये, गुड़गांव। ओके, कहाँ पे है मुझे भी पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। सीधे सीधे ये शायद, ये देखो एवरेज क्या चल रहा है, 18.5। फर्स्ट सर्विस है जी सर, 1030। गाइस बन पहुंच गए किया सर्विस, उद्योग विहार फेज 4 एंट्री चल रही है अभी। कॉन्टैक्ट नंबर सर 8800। सो गेट पे ही हमें व्हीकल कार्ड बना के दे दिया है, गाड़ियां पार्क कर दी हमने बाहर, और इसको लेके जाना है रिसेप्शन पे देना। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, ओहो हो दिक्कत हो गया रे। तो गाड़ियाँ अपन ने पार्क कर दी, ये गाड़ी है मेरी ब्लैक कलर की, ब्लैक बर्ड नाम रखा मैंने इसका, ठीक है, मस्त लगती है ब्लैक कलर में यार। ये है 2023 फेसलिफ्ट, बहुत ही शानदार। सामान है तो मैं कैरी बैग दे दूँ सर? हाँ कैरी बैग दे दो मेरे को, दो दे दूँ, एक हो जाएगा, एक ही दे दो एक। तो भैया अपॉइंट कर दिए गए हैं अपन को सर्विस मैनेजर यहाँ के। क्या होगा सर्विस में, तो जनरल चेकअप है ही है, ये रहेगा इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर हम सिर्फ चेक करेंगे, चेंज नहीं होगा, सफाई करेंगे बस। सफाई करोगे? हाँ सफाई करेंगे सर। अच्छा बाकी चेंज होने वाला क्या? चेंज होने वाला सर आपका इसमें, अभी फास्ट सर्विस में कुछ भी नहीं होता, ऑयल वगैरह किसी कोई भी चीज़ नहीं, सारी चीज़ें चेक होंगी, सारी चीज़ें चेंज होंगी सर। अच्छा, और वॉशिंग होगी? वॉशिंग होगी और वैक्यूम होगा कार के अंदर, वैक्यूम होगा, वैक्यूम क्लीनिंग। तो फर्स्ट सर्विस में यही होता है? फर्स्ट सर्विस में यही होता है सर। बाकी आपका केडीएस लगा के कार के अंदर क्या क्या चीज़, इसके अंदर कोई कॉल तो नहीं आ रहा है, वो चीज़ चेक करेंगे। फर्स्ट सर्विस में तो होना नहीं चाहिए, ब्रेक वगैरह, शूज वगैरह, इसके डिस्क ब्रेक है, ये सारे सब चीज़ चेक होगा, चेक होगा, हाँ चेक होगा, गाड़ी लिफ्ट उठा के। बाकी इसमें कोई खोल के सफाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपकी चलाने में ऐसे कोई कंडीशन, कोई आवाज़ है, वो चीज़ है, वो अलग है, उसके ऊपर हम करेंगे। अच्छा, हाँ आपको चलाने में ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, सर्विस के टाइम जा सकते हैं वर्कशॉप में? जी देख सकते हैं, बिल्कुल सर देख सकते हैं सर। ठीक है, ओके थैंक यू। तो ये फर्स्ट टाइम अपन ड्राइवर सीट पे आए अपनी गाड़ी पे और सर ड्राइव करेंगे जी, मैं भी देखूं कैसा लगता है बगल में। इसमें ड्राइव टेस्ट नहीं होता फर्स्ट सर्विस में सर आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है सर। देखो हमारा ये ट्रैकिंग बना रखा है। अच्छा, कार के अंदर सर इसमें कोई चीज नॉइज है तो हम इसी के ऊपर भी चला के हम देख सकते हैं सर। अच्छा, न्यू कार में इतना प्रॉब्लम आती नहीं है, वो आपके ऑब्जर्वेशन पे कोई जैसे कोई नॉइज है वो है, उसी के ऊपर करते हैं। आप देखो कोई आवाज नहीं है सर, देखिए नहीं आवाज तो कुछ नहीं है जी, ये हम बना रखा है इसके, परफेक्ट एकदम जी। ये हमारा वॉशिंग लाइन है सर, अब हमारा वॉशिंग एरिया देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सर। चलो देख लेते हैं जी, आइए सर। तो ये वॉशिंग की क्यू लगी हुई है यहाँ पे, पूरी लाइन लगी हुई है देखो यहाँ पर, उधर से लेके उधर तक। अरे गाड़ी हमारे आगे चल रही थी ये वाली जब मैं आ रहा था। ये है वॉशिंग एरिया यहाँ का, काफी बड़ा एरिया है, एक एक टाइम पे एक ही गाड़ी हो रही है वॉश। हाँ अभी अभी होगा सर, इसी वजह से जाएंगे। ये दो बे बना रहता है। अच्छा दो, हाँ दो भी निकल सकता है, अभी गाड़िया स्लोली स्लोली आ रहे हैं ना, इसलिए एक एक करके निकाल ये निकालेंगे। हमारा नंबर काफी लेट है, 1 2 3 4 चौथी नंबर, पांचवा नंबर है। हो जाएगा अभी, जल्दी हो जाएगा। ये है वो रूट जहाँ से अभी निकाला था हमने, जिसमें आवाज़ वगैरह नॉइज़ वगैरह चेक करते हैं, कोई कैबिन नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रही।
सस्पेंशन वगैरह चेक होता है। तो मतलब बाहर ऐसा नहीं कि तुम्हें ऑफ रोडिंग करने ले जाएंगे चेक करने के लिए, कुछ इशू वगैरह है तुम्हें मारुति की तरह। तो गाड़ी वॉशिंग एरिया में लगा दी अपन ने, वॉशिंग बे में, तो वॉश होगी गाड़ी और फिर उसके बाद में जनरल चेकअप होगा, लिफ्ट वगैरह पे लगाएंगे सारी चीज़ें, सस्पेंशन वगैरह और सारी चीज़। तब तक के लिए लॉन्च रूम में कॉफ़ी पीते हैं अपन, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप अपनी सर्विस को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो बैठे बैठे लॉन्च एरिया में, तो एक लिंक आती है, मैं अभी दिखाऊंगा, भेजा नहीं उसने, वो मुझे लिंक भेजेगा तो उस पर मैं अपना ट्रैक कर सकता हूँ, मतलब वीडियो लाइव स्ट्रीम होगी मेरी कार सर्विस की। तो गाड़ी वॉश होकर यहाँ पे लग चुकी है लिफ्ट के पास में, और ये है एक्सप्रेस सर्विस में लगी है हमारी। एक्सप्रेस सर्विस का पता नहीं क्या सीन होता है। बाकी जो मैं बता रहा था कि लाइव चेक कर सकते हो, उसकी लिंक जो आती है वो यहाँ पे लगने के बाद ही आती है, जब सर्विस शुरू होती है वॉशिंग वगैरह के बाद में। उसमें क्या होता है कि आप अपना लाइव देख सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कैमरा वगैरह पता नहीं दिख नहीं रहा यार मुझे, कैसे होता होगा देखता हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं, अभी लिंक आई नहीं मेरे पास में, फिर देखते हैं। तो हमारे सर्विस इंजीनियर ने बताया कि वो कैमरा लगा हुआ है लाइव कवर करने, और ये रडार लगा हुआ है, जैसे ही गाड़ियाँ एक्सप्रेस लाइन पर लगेगी वैसे ही आपका मतलब नोटिफिकेशन चला जाता है उनके पास में कि हाँ भाई ये गाड़ी लगी है इधर, और ये कैमरा अलाइन हो जाता है फिर उससे। लिफ्ट लगा दो। तो ये अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर है और ये एसी वेंट है, मतलब ये हाल हुआ है इसका, सही है वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं। एक्सप्रेस सर्विस की ये लिस्ट है, ये चीज़ें होती है ग्राउंड पे, ये सारी चीज़ चेक होगी लिफ्ट पे, ये चेक होगी फिर ग्राउंड पे, ये लिफ्ट पे, ये तो आप पढ़ सकते हो इसको स्क्रीनशॉट लेके। तो यार अपनी गाड़ी आ चुकी है अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। वैसे इंक्लूड होता नहीं है अलाइनमेंट, मतलब फर्स्ट सर्विस में ये होता है कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है आप वो बताते हो, तो फिर मैंने बोल दिया कि अलाइनमेंट एक बार चेक कर लो इसका, और बाकी सारी चीज़ें एकदम फिट है, देखो बढ़िया एकदम मौज में। फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया, और अभी चल रही है गाड़ी की पॉलिशिंग, साफ़ सफाई बॉडी बोलते हैं इसको, अंदर हो चुका है क्लीन एकदम, और बाहर चल रहा है अभी शॉट भी एकदम। तो निकल गए गाइस अपन, बस निकल ही रहे हैं, इधर गेट पे रुकेगा गेट पास के लिए, देखते हैं। बट गेट पास जैसे दे दिया मैंने,
संजय भाई गेट पास सर, गेट पास दे दिया होगा अभी आया। 7644 ठीक है चलो ओके। ठीक है गाइस, तो ये थी फर्स्ट सर्विस अपने किया की किया सेल्टोस की अपने। गाड़ी धुलने के बाद ऐसा लगता है ना कि यार अभी से हम ओके गाइस, टाइम हो गया 5:45 और मैं घर की तरफ निकल गया हूँ। बीच में मैं चला गया था सेक्टर 14 गुड़गांव के जो कार बाजार है, दो चार चीज़ें लगवानी थी जैसे कि पीछे का बंपर गार्ड। यहाँ पे एकदम बंपर टू बंपर ट्रैफिक रहता है दिल्ली में, पता ही है आपको, तो टच वच हो गई गाड़ी तो फिर बस काम हो गया ठीक है। और एक ये जो डोर वाइज़र लगते हैं जो वैसे रहते हैं बारिश वाले, वो लगानी थी मुझे, बट दोनों ही चीज़ें मिली नहीं मुझे, मतलब मिल रही थी बट सही नहीं मिली, क्वालिटी वगैरह सही नहीं थी, तो फिर मैंने छोड़ो। वैसे भी ब्लॉग लंबा हो रहा था तो बहुत लेंथी हो गया ब्लॉग, सारी चीज़ें कवर कर ली थी मैंने ऑलमोस्ट, मगर अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो इसमें ठीक है। बट सब चीज़ ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं उसमें जो भी मैं दिखाया, एंड अभी निकल गया मैं घर की तरफ। ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। और जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेल्टोस के बारे में पता लगती रहेंगी, इस चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हो मेरे एक्सप्लोरर यादव पे। और बाकी सब बढ़िया है। अभी देखो अभी भी माइलेज दिखाता हूँ मैं आपको, 16.2 का माइलेज चल रहा है बताओ देखा चलाने पे बहुत फ़र्क होता है, लोग कहते हैं यार 10-12 ही देती है, 10-12 नहीं देती है भाई, तुम चलाते सही नहीं हो। और मैं बाहर तो गया नहीं, देखो सिटी में घूम रहा हूँ मैं, और कितना हो गया 16.5 समथिंग चल रहा है ठीक है। सो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत लंबा हो गया, बहुत बातें कर ली अपन ने, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट करके जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब करो। और ठीक है इसके जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मैं कराऊंगा, मतलब वो मॉडिफिकेशन नहीं है, सेफ्टी ऐसी चीज़ें हैं वो, तो उसका भी जल्दी ब्लॉग आएगा ठीक है। चलो बाय।